नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। गिरिडीह में 5 सितंबर को होने जा रही उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेतागण सुदूर इलाकों में गांव में पहुंचकर जनसंपर्क, बैठकें व विशाल सभाएं करने में मशगूल है। इसी क्रम में आज अशरुद्दीन ओबीसी की जनसभा डुमरी के केवी हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित की गई। इससे पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी के नागाबाद में सभा की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और एनडीए पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 2019 के पहले झारखंड के लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के साथ झारखंड में लोग अमन चैन से रह रहे हैं। उन्होंने डुमरी उपचुनाव को लेकर मंगलवार की शाम डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड स्थित नागाबाद में एनडीआईए गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए युक्त बातें कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में महंगाई बढ़ी है। कहा कि हमारी सरकार पिछड़ों को 27% देने एवं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना चाहती है, लेकिन विपक्ष अड़ंगा लगा देती है। सीएम ने कहा कि राज्य की बेटियों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। बेटियों को चाहे इंजीनियर बनाना हो या फिर डॉक्टर बनाना हो, अब पैसे उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार बेटियों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी। कहा कि सरकार 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्री बनाकर अपना कर्तव्य निभा दिया है और अब आप मतदाताओं की बारी है, इसलिए डुमरी विधानसभा के एक एक मतदाता बेबी देवी को वोट देकर दिवंगत जगन्नाथ महतो की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विपक्ष को वोट दे। और जितना भी आए हैं सभी माँ बहन काकी सबको प्रणाम कर रही हो। हमने आए वो वोट मांगे चाची साहब, आशीर्वाद दिया हमारा कोहनी के कोहला लियो कोहनी के आशीर्वाद दिया। आप जब नई 17 साल में काम कर लो फिर सब कोहनी सब जान थोड़ा क्षेत्र में कितना काम कर लो फिर से कोई आए के नहीं कर लो थी अपना अच्छा रोड बना देना थी जे गोड़ों में धोरा नहीं लगता तो उन्हीं के आ जाए आए में कोई पिछड़ा हुआ नहीं इतना अच्छा बना देना तुम मन बड़ी जी तो उन्हीं के बाल बच्चा के सब सुविधा कर देना थू। मैं वही 5 तारीख के हमारे वोट लगाए 1 नंबर में तीर धनुष बिहाने जाए भोरे जाए के तनी हमारे बटन दबाए दिया तीर धनुष में आए के खाना बनाया। जय हिंद जय झारखंड जोहार। मंच में हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी आपको बात बता दी, क्योंकि हम सभी के लाडले हमारे बीच में शेरों की तरह रहने वाले टाइगर जगन्नाथ माथुर जी के इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, तो अगर हम ना आए तो ऐसा कैसे हो। क्योंकि आज पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि किसी सभा में आज टाइगर जगन्नाथ महतो आज नहीं, और ये खालीपन और ये भारी मन जो आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो के द्वारा हमें छोड़कर जाना और उसके साथ के बाद ये चुनाव होगा, इनके खालीपन को तो भर नहीं हम सकते, लेकिन उनके कर्म को
और उनका डुमरी विधानसभा और झारखंड के 3.5 करोड़ मूलवासी आदिवासी के प्रति जो उनकी सोच और संवेदनाएं थी, मुझे लगता है कि ऐसा झारखंड बहुत कम होगा जो 1932 का गंजी कमीज और चादर पहन के सोता और जगता। आज जगन्नाथ माथुर जी के जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव सुनिश्चित हुआ। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद कि हम लोग डॉक्टर जगन्नाथ माथुर जी को किस किस तरीके से अपना समाज भी दे सकते, तरह तरह के योजना के माध्यम से, पार्टी संगठन सरकार के माध्यम से, हम लोगों ने उनके दिवंगत आत्मा को सलामी देने का काम किया और उन्हें याद करने का काम किया। उनका डुमरी विधानसभा में नजर उठा के देखिएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां टाइगर जगन्नाथ माथुर जी का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हुआ। दिन और रात, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, वो आपके बीच में खड़े रहे। याद कीजिए उस कोरोना काल का दिन जब दुनिया में लॉकडाउन का सरकार का आदेश था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान कारखाना सब बंद हो गया, पूरा देश रुक गया, कोई आदमी घर से निकल नहीं सकता था। लेकिन झारखंड एक मजदूर प्रधान राज्य है, यहां का अधिकतर लोग गरीब तबके के लोग हैं। अगर वो खेती बाड़ी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। लाखों लोगों को भूखा मरना पड़ता। लेकिन इस कोरोना काल में भी हमारे मंत्रियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना काल में भी आपके बीच में रहने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि पूर्व की इन बेईमान सरकारों में लोग हाथ में राशन कार्ड लेते लेते मर गया, लेकिन जब राज्य में आपातकाल था उस समय भी हम लोग एक व्यक्ति को भूखा नहीं करने दिए। आज कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए हमारे दोनों मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे 75-80 साल की उम्र में भी लाख मना करने के बावजूद आप लोग के बीच में रहकर कोरोना से ग्रसित हुए और हमें छोड़ के चले गए। आज उनको भी सादर सलामी देते हुए वहां चुनाव से पहले हमने हाजी साहब के बड़े सबक को अपने सरकार में मंत्री बनाया और उसके बाद वो विधायक बना और मजबूती से आज जनता की सेवा में। उसी प्रकार इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जहां किसी को भी, चाहे वो पंडित हो, चाहे मौलवी हो, कोई भी हो, आम आदमी को जाना अलाव नहीं है, सिर्फ विधायक को अलाव है। विधायक के अलावा कोई नहीं जा सकता है। लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में
बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को सलाम करते हुए उनकी धर्म पत्नी देवी देवी जी भाभी माँ को हमने उस लोकतंत्र में बैठा सुन लो पर पानी में डूब के मरना चाहिए। आज ऐसे लोगों का हमारे संसार समाज में बहिष्कार होता है। समाज कभी भी उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता है जो ऐसे घृणित काम करता है, चाहे वो अपना समाज का है अंदर हो चाहे कोई भी हो। हमको तो शर्म आता है, इतना गंदा इतना नीचे जाकर के ये लोग काम करेंगे। अरे लड़ना है तो आपके सामने लड़ो, षड्यंत्री हो रखते हो, फिर सब पूरा क्यों मारते हो। इसलिए आप सभी यहां पर डूबरी प्रखंड के हमारे आदरणीय सम्मानित ग्रामीणों किसान भाई, आप 2019 के पहले का मंजर देखिए, इतना डर भय का माहौल था कि कब कहां कौन घटना घट जाए, किसके साथ मॉबलिंचिंग हो जाए, कौन अल्पसंख्यक समुदाय गौ तस्करी के नाम पर मस्जिद पर मांस मछली फेंककर उसकी हत्या हो जाती थी। लेकिन 2019 के बाद देखिए कितने मजबूती कितना अमन चैन के साथ रह रहे हैं रात विराट भाई दोस्त, हमारे घर के लोग आते जाते हैं कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये लोग ऐसे वातावरण तैयार करने में लगे हैं कि आने वाला समय में आप अपने घर के अंदर आपस में लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये स्थिति ये लोग पैदा करने जा रहे हैं क्योंकि देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।